लोकसभा चुनाव के मायूस करने वाले परिणामों के बाद अब हरियाणा और जम्मू के विधानसभा चुनाव परिणामों ने भाजपा को फिर से तरोताजा कर दिया है। इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हरियाणा की जीत बीजेपी के लिए राजनीतिक संजीवनी की तरह काम कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर थी और भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन अब हरियाणा की जीत ने भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में हरियाणा की जीत का जश्न मनाते हुए पार्टी दिखाई दी। अभूतपूर्व हुआ ये काम और बहुत सारे नेगेटिव और वहाँ पे कांग्रेस ने और अन्य उनके जो सहयोगी दलों ने बनाया था, लेकिन जनता ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया है। उनका अटूट विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर और हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनकी योजनाओं पर हुआ है और इसलिए बहुत बहुत बधाई। अब हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया और पिछले दो समय के शासनकाल में 10 वर्षों में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ काम की थी उस पर विश्वास किया और लगातार तीसरी बार जनादेश भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने दी है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई। भाजपा यही नहीं रुकी, वो राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, इसलिए अब जलेबी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा जा रहा है। देखिए पिछले कुछ समय से यदि बात करें 15 वर्षों से कांग्रेस लगातार मिठाइयों का आर्डर दे रही है लेकिन उठा नहीं पा रही है, क्योंकि उनका कार्य नहीं चल रहा है और उनके नेता नहीं चल पा रहे हैं और उन्होंने सोचा शायद इस बार कुछ टेढ़ी किया जाए, तो उन्होंने जलेबी का सिगुपा डाला था लेकिन जलेबी भी नहीं चल पाई। और अब हम आमंत्रित करते हैं उनको, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के शपथ लेंगे, उस दिन उनको अवश्य जलेबी खिलाई। इधर कांग्रेस में हरियाणा और जम्मू के परिणाम को लेकर मायूसी है, इसलिए इन परिणामों ने एक तरीके से पार्टी की गतिविधियों पर ब्रेक सा लगा दिया है। देखिए अब ये तो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे ही जिंदा है, उसी के नाम पे राजनीति हमेशा करती रहती है, तो कुछ इस तरह का करे तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब अपने मुख्यमंत्री को जलेबी खिलाए, बाकी को खिलाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जम्मू और हरियाणा के चुनाव परिणाम भाजपा को नई ताकत दे रहे हैं और इसलिए भाजपा में जोश दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लिए अब एक बार फिर से चुनौती की घड़ी है, उसे अब एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं के गिरे मनोबल को उठाना है और नगरी निकाय के लिए तैयार करना होगा। ऐसे में भाजपा का जलेबी वार जले में नमक का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा आधारित जरूर छत्तीसगढ़ पर है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि हमें देश की राजनीति से मिली है, क्योंकि हरियाणा में जब चुनाव हुए और उसके बाद जो चीजें सामने आई उससे ऐसा लग रहा है कि जलेबी एक तरीके से राजनीति के केंद्र में आ गई है, एक तरीके से जलेबी पॉलिटिक्स हमें इस समय देखने को मिल रही है और हर प्रदेश में इसका असर है, तो छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। और इस बार बीजेपी ने इस जलेबी का प्रयोग करते हुए जलेबी खाई भी, उसकी मिठास को महसूस भी किया, लेकिन कड़वाहट छोड़ी है कांग्रेस के लिए। ऐसे में ये जो जलेबी ने जलाया है उसका क्या पॉलिटिकल मैसेज है, किस तरीके का पॉलिटिकल असर है, इसी बात को आज हम इस पूरी डिबेट में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रीति उपाध्याय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं
साहू जी, जिनका प्रवीण साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो ये तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। और जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि परिणाम तो हरियाणा के आए, लेकिन इसका अलग अलग राज्यों में अलग अलग असर देखने को मिला। बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद एक तरीके से थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, कार्यकर्ताओं का जोश खत्म हो गया था, वो जोश कल फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। गली मोहल्ले में जलेबियां बांटी गई और बीजेपी तंज कसते हुए दिखाई दी, सोशल मीडिया में भी और सड़कों पर भी। तो बीजेपी का जोश हाई है, इसका क्या असर है, क्यों ऐसा हुआ है, एक एक करके जानेंगे। पहले प्रवीण जी की ओर चलते हैं। प्रवीण जी, बधाई हो, आपकी पार्टी जीत तो गई है, पर ये जलेबी एंगल कहां से आप लोग ने निकाल के ले आया? और जलेबी इतना चर्चा में आ गई है, जलेबी की बार बार याद कराई जा रही है, आखिर इसकी क्या वजह है? कई राज्यों में जीतते हैं आप लोग, लेकिन इस बार जो जीत का जश्न है वो ज्यादा लंबा चल रहा है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों का नमस्कार, प्रणाम, और विशेष रूप से दर्शकों को मैं नवरात्र के पावन पर्व की बधाई देना चाहता हूँ। देखिए आदरणीय मोहन जी, आपने बहुत अच्छा उल्लेख किया कि पृष्ठभूमि की हम बात कर रहे हैं, तो पृष्ठभूमि चाहे वो देश की हम बात करें या प्रदेश की हम बात करें, आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार गुटों में बटी हुई है। चाहे मैं प्रदेश की बात करूं या राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, या मैं हाल फिलहाल में अगर बात करूं तो हरियाणा के जो चुनाव के परिणाम है दिखा रहे हैं किस प्रकार कांग्रेस पार्टी लगातार गुटों में बटी हुई है। यहां भी अलग अलग गुट थे जिसकी प्रामाणिकता विधानसभा के परिणाम में दिख चुके थे, और हरियाणा के जो चुनाव के जो परिणाम है उसने दोबारा पुष्टि कर दी है, चाहे कि राष्ट्रीय स्तर हो या प्रादेशिक स्तर हो, प्रत्येक क्षेत्र में कांग्रेस बटी हुई है। भाई यहाँ तो हम जानते हैं कि भूपेश बघेल जी का गुट था, टीएस सिंहदेव जी का गुट था, ताम्र साहू जी का गुट था, महंत जी का गुट था, और वहां पर भी वैसी स्थिति देखने को मिली। चाहे वो अगर बात करूं कुमारी शैलजा जी का गुट हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुट हो, या रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का गुट हो, लगातार गुटों में भी बटी पार्टी है, और इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। भाई मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, मीडिया में बाइट चल रहा था कि सीएम कौन बनेगा, इतना अति आत्मविश्वास, यही अति आत्मविश्वास इनको ले डूबा, धरातल पर काम नहीं किए। वही भारतीय जनता पार्टी लगातार धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। माननीय मोहन जी, बहुत अच्छा विषय आपने रखा कि लोकसभा के चुनाव के परिणाम हमारे मन मुताबिक नहीं थे। हमने निश्चित रूप से उस परिणाम से सीखा, हमने समझा कि हमारी गलती कहाँ हुई थी, कहाँ हमसे चूक हुआ, उस चूक को हमने स्वीकारा और स्वीकारने के बाद काम किया। और देखिए आज तीसरी बार हरियाणा में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार है, और निश्चित रूप से जनता का जो आदेश हमको मिला है, निश्चित रूप से यह मिला है कि आप जो 10 साल से काम कर रहे हैं उस काम को, इसमें जलेबी कहां से आ गई, ये तो सारी चीजें हम समझ गए प्रवीण जी, इसमें जलेबी कहां से आ गई, जलेबी के जरिए आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों कांग्रेस को चिढ़ाना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए हम तो अपना जो है जीत का जश्न मना रहे हैं, ये चिढ़ रहे हैं मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको जो है अपनी जो हार पर जो है बौखलाहट प्रदर्शित हो रही है। भाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे। आदरणीय मोहन जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार है, यदि आपने जलेबी की एक फैक्ट्री देखी हो तो मुझे बता दीजिए। आप जानते होंगे कि जलेबी की दुकान रहती है जहां पर जलेबियां गरम गरम बनाकर परोसी जाती है। जलेबी ऐसी मिठाई नहीं जिसको आप स्टोर करके 10-10 दिन बाद आप उपयोग करें, गरम गरम खाने में ही जलेबी का जो है मजा होता है। तो एक ऐसे विद्वान नेता इनके पार्टी के जो बना रहे थे कि भाई हम जो जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे, तो जनता ने सब कुछ। और देखिए हरियाणा की जलेबी काफी मशहूर है, काफी प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी लोग काफी चाव से खाते हैं, मैं भी चाव से खाता हूँ, आप भी खाते होंगे, तो जनता जानती है कि भाई एक प्रसिद्ध मिठाई के विषय में जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, जो जनता के विषयों को लेकर कितना झूठ परोसा गया है, जनता जान रही कांग्रेस पार्टी के विषयों को लेकर, इसलिए जनता ने यहाँ पर उनको नकार दिया। और इसलिए हम जो है लगातार जलेबी बांट रहे, जलेबी निश्चित रूप से एक हम कह सकते हैं कि एक सूचक है कि भाई शुभ शांति एक संकेत जो है निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में है, झूठ बोलने का काम ठीक है। चलिए अब तक राजनीति में जलेबी बची थी, हर जगह तो राजनीति हमें देखने को मिलती है, जलेबी भी अब राजनीति के केंद्र में आ गई है। प्रीति जी की ओर चलते हैं। प्रीति जी वो शख्स हैं जिन्होंने प्रचार भी किया जम्मू कश्मीर में जाकर पार्टी का, और एक अहम भूमिका में भी वो थी, वहां उनकी सरकार बनी है, लेकिन हरियाणा में उन्हें सेटबैक हासिल हुआ है। जान लेते हैं, दोनों प्रतिक्रियाएं एक साथ लेंगे। प्रीति जी, ये जलेबी आप लोगों के लिए मिठाई मिठास वाली नहीं, कड़वाहट वाली साबित हो रही है। बार बार जगह जगह चिढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया में तंज कसे जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप लोग या इसे इग्नोर करेंगे? मोहन जी, सबसे पहले बताना
बताऊं, जलेबी बहुत प्रिय मिठाई है हर भारतवासी की। तो जलेबी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपने कहा, जम्मू कश्मीर में भी हम खुद थे और जितनी भी खुशी मनाए, ये इस बात को बहुत सहूलियत के साथ इग्नोर करना चाह रहे कि जम्मू कश्मीर में इन्हें जनता ने नकार दिया है, इन्हें सरकार, जबकि 10 साल से उसे यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू कश्मीर स्टेट था उसे डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, और वहां पर जनता जो इस बात से दुखी थी, उस जनता ने इन्हें जवाब दिया है और एनसी कांग्रेस के गठबंधन को समर्थन दिया जनता ने। तो जलेबी तो वहां वाले भी खा रहे हैं, हम वहां पर भी खा रहे हैं और बांट रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं, तमाम तरह की मिठाइयां खा रहे हैं, हम भारतवासी तो होते ही है मीठा प्रेमी, तो सब तरह की मिठाइयां खाई जा रही हैं। अब आप हरियाणा की जब बात कर रहे हैं, तो दो तीन बातें मोहन जी, एग्जिट पोल केवल नहीं, हम सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं करेंगे, जमीनी स्तर पर जितने पत्रकार भी थे या कोई भी, खुद बीजेपी वाले भी नहीं सोचे थे सपने में भी कि उनकी सरकार बनेगी। फिर आखिर ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि जब तक बैलेट पेपर खुलता है तब तक इन्हें मात्र 10 सीट, मोहन जी ध्यान दीजिएगा, बैलेट पेपर जब तक खुलता है तब तक मात्र 10 सीट पर इन्हें बढ़त मिली थी, और जैसे ही ईवीएम खुलने शुरू होते हैं, और अब ईवीएम की बात, अभी थोड़ी देर पहले ही चुनाव आयोग से मीटिंग करके हमारे वरिष्ठ नेता दिल्ली में निकले हैं, 20 विधानसभा में ये शिकायत दी गई है, हम वहां से आ रही है एक एक करके शिकायत, 7 जगह दस्तावेज के साथ शिकायत जमा की गई है कि ईवीएम मशीन जब वहां पर आती है थर्ड फोर्थ राउंड में 99% बैटरी बैकअप, मोहन जी हम और आप सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे आज हम लोग सब कोई है, ये हम लोग सोच भी सकते, एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि सुबह से अगर ऑन हो जाती है, होता है एक भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उसके बाद 99% बैटरी बैकअप वाला अभी तक बैटरी बना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मोहन जी, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ धांधली हुई है, ये कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ किया गया है। चुनाव आयोग से हमने शिकायत करी है 20 विधानसभा की, जिसमें से 7 पे दस्तावेज के साथ है, 13 हमने 48 घंटे का समय मांगा है चुनाव आयोग से, क्योंकि सब विधानसभा से आ रहा है कागज, और वो कागज जमा किया जाएगा, एक एक कागज दिखाया जाएगा, चुनाव आयोग के साख पर भी सवाल है। फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि जब तक पोस्टल बैलेट का खुल रहा था नतीजा, तब तक ये पार्टी मात्र 10 सीट पर थी। एक और बात महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण बात, आज अगर पार्टी वहां पर कांग्रेस पार्टी हारी है तो ये कांग्रेस पार्टी की हार नहीं, वहां की महिलाओं की हार है, ये उन बलात्कारियों की जीत है, वहां किसानों की हार है, किसानों के हत्यारों की जीत है, ये बेरोजगारों की हार है और बेरोजगारों को पीटने वालों की जीत है, ये भारत की जनता की जीत नहीं है। चलिए, लोकतंत्र में तो हार जीत को स्वीकार करना ही पड़ता है, लेकिन जो आपने बातें कही है वो भी गौर करने वाली है कि कुछ ना कुछ इसमें आपको संशय नजर आता है। मनीष वोरा जी की ओर चलेंगे, कई चुनाव वो देख चुके हैं, वो अच्छे से बताएंगे। ये चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए उत्साहवर्धक है, और ऐसे में बीजेपी अपना उत्साह दिखा रही है, जलेबी को प्रतीक भी बना रही है, क्या लग रहा है इसका असर लंबे समय देखने को मिलेगा, और जो सोई हुई बीजेपी थी वो थोड़ी जागेगी? मनीष जी, आपके पास क्या फीडबैक है? देखिए मोहन जी, सबसे बड़ी चीज ये कि जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और बड़े हृदय से स्वीकार करना चाहिए, जनता ने जो जनादेश दिया है वो स्वीकार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो जीत है उससे भाजपा को कितनी एनर्जी मिलेगी, निश्चित रूप से भाजपा के लिए उत्साहजनक है जीत, जहां पर सीधे तौर पे ये आ रहा था कि यहां से भाजपा जीत नहीं सकती। इसके पहले भी बहुत सारे एग्जिट पोल्स देखे थे हमने, जिसमें ये चीजें दिखाई जा रही थी, कि हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो वहां भी दिखाया जा रहा था कि यहां भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन रही। हाँ। लेकिन जनता ने मैंडेट दिया, सरकार बनी, और उसके बाद में ये चीजें निकल करके आई। तो देखिए, हर जगह ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज को वो कर लें। देखिए, जीत होती है, जीत का कोई विकल्प नहीं होता है, तो आपको हार से एनालाइज करने की आवश्यकता है कि ये स्थितियां क्यों निर्मित हो रही, तमाम विरोधाभास हो रहे हैं। ईवीएम की जो बात कह रहे हैं वो कुछ है क्या सच्चाई इसमें लगती है आपको? मोहन जी देखिए, ईवीएम की जहां तक बात है तो मैं इसको कई बार कह चुका हूं, आज फिर उस बात को कहता हूं कि ईवीएम में यदि कोई दोष होता तो क्या कश्मीर के रिजल्ट इस तरीके के आते? नहीं आते। दूसरी बात ये कि ईवीएम के दोष को लेकर के जो कहा जा रहा है कि देखिए, ईवीएम जब आती है, मैं जो प्रक्रिया को जानता हूं, ईवीएम जब आती है
चुनाव के पहले उसकी रैंडमली चेकिंग होती है। रैंडमली चेकिंग होने के बाद में सभी राजनीतिक दलों को, किसी एक राजनीतिक दल को नहीं, जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको बकायदा आमंत्रित किया जाता है। उनको कहा जाता है कि ये इस गोडाउन है, इस गोडाउन में ईवीएम रखी है, आप जाइए रैंडमली कोई भी मशीन निकालिए, उसमें मॉक पोल करिए और उसको टेस्ट करिए। उसके बाद में सब राजनीतिक दल जो हैं वो जितने भी वहां पर मौजूद होते हैं वो सारे इसको सर्टिफाई करते हैं कि ये मशीनें सही हैं। एक चीज, दूसरी बात फिर से मैं बात करता हूं, ये प्रक्रिया एक बार नहीं होती है, इसके बाद दोबारा फिर ये प्रक्रिया होती है। जब पोलिंग बूथ में जाती है वो मशीन, वहां पर भी जितने भी पार्टियों के एजेंट बैठे होते हैं वो भी उसको चेक करते हैं। काउंटिंग में फिर वो चेक होता है, आपके डाटा से वेरीफाई होता है, उसके बाद काउंटिंग होती है। हर राउंड में जितने राउंड की काउंटिंग होती है, जितने टेबलों में काउंटिंग होती है, हर जगह वेरिफिकेशन होता है मोहन जी। तो मुझे लगता है कि यदि ऐसी कोई स्थिति होती तो क्या केंद्र में 99 सीटों पर कांग्रेस आती क्या? यदि इनको करना था 400 सीट बोल रहे, 400 सीट हो जाती। ठीक है, चलिए, ये इस तरीके के सवाल भी हैं। प्रीति जी सही बात है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी करना ही था इनको तो ये लोकसभा में करते, इन पर शक भी कोई नहीं करता। अगर 300 सीट आ जाती तो भी लोग बोलते कि सही से आई है। इन्होंने अपने चुनाव में नहीं किया और एक छोटे से प्रदेश के चुनाव में किया, इसमें थोड़ा शक होता है कि आप लोगों की बात कैसे सही है। हम सबने देखा है ईडी का दुरुपयोग किस तरह किया गया है, हम सबने देखा है किस तरह सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को सिलेक्टिवली ये जिस तरह से कर रहे हैं, साख वाली बात जो है वो इसीलिए है क्योंकि अगर ये एक तरफा कर देंगे तो भी तो इनके साख पर पूरी तरह सवाल उठ जाएगा, ये सब समझ रहे हैं हम लोग। देखिए महत्वपूर्ण बात ये कि बार बार ये जो एक ये तर्क देना चाहते हैं कि अगर होता तो फिर आप कहीं कहीं क्यों जीतते हैं, हमारा ये कहना है कि तमाम बड़े देश आज ईवीएम से दूर हट गए, पोस्टल बैलेट पे आ गए, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन या चाइना जैसे बड़े, जब पॉपुलेशन की बात होती है तो चाइना जैसे बड़े पॉपुलेटेड कंट्री ने भी ईवीएम से दूरी बना ली। कारण यही है कि ईवीएम बात सही नहीं है, हमारे नेताओं ने चुनाव के पहले भी बार बार ये बात इलेक्शन कमीशन से कही है कि हमें ईवीएम नहीं पोस्टल बैलेट से चुनाव चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि हम पूरी तरह से या तो चुनाव का बहिष्कार करके बैठ जाए, और वो करने से तो तानाशाह और मजबूत हो जाएगा, ये नहीं कर सकते। इसलिए हमें चुनाव आयोग पर अभी भी विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं ये जो शिकायतें हैं इस पर गौर करेंगे। मोहन जी मत भूलिए कि जम्मू कश्मीर ये नहीं सरकार बना पाए हैं, 370 और एक राज्य को टुकड़े टुकड़े करके ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले पूरे देश में उस पर उस नाम पर वोट मांग रहे थे, वहां की जनता ने नकार दिया, अयोध्या ने तो नकारा ही था। तो आपको यह समझना होगा कि ये जिस मुद्दे को उठाते हैं, अरे ये तो हिंदू के खैरखा बनते हैं कहने को, और ये स्वघोषित ठेकेदार हिंदुओं को चर्बी वाला लड्डू खिला रहे थे। तो ये नहीं, तो बात यही है ना कि इनके मुद्दे है ही नहीं, ये सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। आज हरियाणा, जम्मू कश्मीर तो हम सरकार बना ही रहे हैं, हरियाणा में भी इन शिकायतों का निराकरण होने दीजिए, पर उससे महत्वपूर्ण बात, हरियाणा की जनता की हार है ये, इस बात को स्वीकारिए, वहां की महिलाएं, वहां के किसान, पहलवान, बेरोजगार, सबका हार है। ठीक है, चलिए जवाब देंगे प्रवीण साहू जी। साहू जी ये कुछ आप लोगों की जब भी जीत होती है एक ऐसा धुंध बना दिया जाता है कि लगता ही नहीं कि आप लोग ने ये जीत हासिल की है, आदमी सोचता है कि अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ऐसे में आप लोगों की मेहनत जो है, इतनी जीत लगातार करीब बताया जा रहा है कि 88 जीतें हासिल कर चुकी है भाजपा अभी 14 के बाद से, उसके बावजूद श्रेय नहीं मिल पाता आप लोगों को इस तरीके के संशय की वजह से। देखिए खिसियाए बिल्ली खंबा नोचे, आदरणीय दीदी जी बहुत सारे विषय की बात कर रहे हैं, और आदरणीय मोहन जी आपने बताया कि प्रीति जी जम्मू कश्मीर में थी, प्रचार भी किया। दीदी मैं आपसे पूछता हूँ, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, पहले कितनी सीटें थी? आपकी तो 6 सीटें कम हो चुकी है, कहां से जीते आप? आपकी गठबंधन की सरकार है, बधाई हो। हमारे तो पहले 25 सीटें थी, हमारी सीटें बढ़कर 29 हो चुकी है, 4 सीटों पे वृद्धि हुई है। तो पहले अपने गिरावट आप झांक कर देख लीजिए, आपकी जो सीटों में 6.23% की गिरावट आई है, पहले उसको देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, हमारे सीटों में
2.44% की वृद्धि हुई है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। और रही बात, आपने एक शब्द का उपयोग किया तानाशाह, और आपने कहा कि सारे मीडिया रिपोर्ट्स में जो है एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में था। तो भाई यदि तानाशाही होती तो मीडिया तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनाते दिखाती, लेकिन नहीं। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स का निश्चित रूप से हम सम्मान करते हैं, लेकिन धरातल पर हमने काम किया। और आप जो बार बार अपमान कर रहे हैं जनता के जनादेश का, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। और बार बार निश्चित रूप से कहकर आप जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, और प्रतिष्ठित चरण में कह रहे हैं, आपको जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। निश्चित रूप से परिणाम आपके हित में नहीं गए, मैं स्वीकार करता हूँ। जनता पे दोष मत दीजिए, ठीक बोल रहे हैं आप भी, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए जनादेश का अपमान मत करिए। रही बात ईवीएम की, देखिए यही छत्तीसगढ़ है जहाँ पर 2018 के परिणाम में हमको मात्र 15 सीटें आई थी, और वो बाद में घटकर 14 हो चुकी उपचुनाव के बाद। आपको 68 सीटें मिली थी, बढ़कर वो चुकी थी 71, और 71 सीटें आपने प्राप्त की थी ईवीएम के चुनाव के माध्यम से। तब आपके मुख्यमंत्री या आपके पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि हम इस सत्ता को स्वीकार नहीं करते। हम देखिए हम निश्चित रूप से कहेंगे कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। तब आपका बहिष्कार क्यों नहीं होता है? हिमाचल में आपकी सरकार बनती है, तब आपने ईवीएम को दोष क्यों नहीं दिया? जहां पर आपकी सत्ता आती है आप ईवीएम को दोष देना भूल जाते हैं, जहां पर आप हार जाते हैं आप घुमा फिरा कर बार बार कहते हैं कि ईवीएम में दोष है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी है कि यदि कोई साक्ष्य है तो ठीक है। चलिए ये तो राष्ट्रीय मुद्दा, हम प्रदेश पे आते हैं एक बार फिर से कि इसका इफेक्ट क्या छत्तीसगढ़ में होने वाला है। प्रीति जी आपसे ही शुरू करते हैं, आप लोगों को लगता है कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? एक ऐसा प्रदेश जहां 10 साल से बीजेपी है, आप लोग ने इतना अच्छा घोषणा पत्र बनाया, सबको सब कुछ देने की बात कही, फिर भी हार गए। अब बाकी प्रदेश में क्या होगा? नए सिरे से काम करने की जरूरत महसूस करती है क्या कांग्रेस? निश्चित तौर पर देखिए रीइन्वेंट करते रहना चाहिए, और जमीनी स्तर पर काम तो हर पार्टी को हर वक्त करते रहना ही पड़ेगा। संगठन को मजबूत करने का काम भी करते रहना पड़ेगा। हम एक जगह राज्य सरकार बना रहे हैं, एक जगह नहीं बना पाए, मजबूत विपक्ष की भूमिका में फिलहाल बैठेंगे। लेकिन आप ये भी देखिए कि ये अपनी जीत का जो 28 जीते लगातार वगैरह वगैरह, अरे भाई लोकसभा भी तो आपको कम सीटें मिली, जनता ने आपको नकारा। आज आप बैसाखी वाले सरकार पर है, गठबंधन में है किसी तरह से, और ऐसे लोगों के साथ गठबंधन में है जो पहले भी आपके खिलाफ थे, या जम्मू का सुन लीजिए, साहस रखिए सुनने का। जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि सिर्फ सत्ता के लालच के कारण इन लोगों ने पीडीपी के साथ सरकार बना ली थी, जिसके खिलाफ ये जहर उगलते रहते थे। तो बात आपने पूछा कि छत्तीसगढ़ में या अन्य प्रदेशों में, डेफिनेटली हम आपको बताना चाहेंगे साथ में कि महिला कांग्रेस में भी अभी सदस्यता अभियान भी चल रहा है। 2 लाख से ज्यादा महिलाएं 15 दिन में हमारे सदस्य बन करके मजबूती प्रदान कर रही है, नई सदस्यता ग्रहण की है। तो ये काम तो निरंतर चलते रहेगा। चुनाव चल रहा था तब भी रिजल्ट्स आए, तब सबक लेंगे, ये तो निरंतर नहीं, हार तो रिजल्ट अभी आया है। हम आपको बता रहे 15 सितंबर को हमारा जो नया सदस्य बनने का सदस्यता अभियान महिला कांग्रेस का शुरू किया गया। ये सब निरंतर काम है पार्टी का जो जारी रहेगा। प्रदेश में क्या असर पड़ेगा? तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सोचे कि आखिर जम्मू कश्मीर की जनता ने इन्हें क्यों नकारा। चलिए इस सवाल का जवाब मनीष जी से भी लेने की कोशिश। मनीष जी, एक जगह कांग्रेस जीती है, एक जगह हारी है, और इसका क्या छत्तीसगढ़ में आपको असर देखने को मिलेगा, दिख रहा है? देखिए मोहन जी, दोनों ही जगह पर जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों की यदि हम बात करें तो जहां पर कांग्रेस जीती है वो गठबंधन के साथ जीती है, जहां जहां कांग्रेस होती है वहां पर गठबंधन में जहां वो होती है वहां पर परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है, लेकिन कांग्रेस जहां जहां कहीं जगह सीधे फाइट पर आती है वहां पर परिणाम थोड़े से चिंताजनक दिखते हैं। हरियाणा में सीटों का इजाफा ही है जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ ठीक है, लेकिन सरकार नहीं बनी जी। आप फिर से पूछ लीजिए मुझसे। जी, वही वही वही, असर क्या होगा? जहां भी जीत हार होती है छत्तीसगढ़ में क्या असर देखने को मिलेगा? यहां भी कुछ असर होगा क्या मोहन जी? मुझे नहीं लगता कि वहां के जीत हार का छत्तीसगढ़ की राजनीति पर कोई बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, और चुनाव होने के बाद में अभी मुझे लगता है कि 4 साल का लगभग सरकार को समय है, तो ऐसा कोई बड़ा असर यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस के उत्साह के साथ साथ भाजपा, मुझे लगता है दोनों राजनीतिक दलों के उत्साह में वृद्धि देखने को मिलेगी, इसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि यहां पर होने वाला जो उपचुनाव है उस उपचुनाव को लेकर के एक बड़ी कश्मकश यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही दल वहां के परिणामों से उत्साहित है, एक जगह जीत एक जगह हार दोनों को मिली है, तो इसका एक परिणाम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। और एक जुमला है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, ये जलेबी वाला जो ख्याल है
ये केवल दिल बहलाने के लिए है क्या प्रवीण जी, जल्दी बता दीजिए, समय आखिरी है। देखिए ये हमारे जीत का जश्न है और इनको मिर्ची लग रही तो लगे, जनता का जनादेश है। और रही बात, देखिए दीदी बार बार कह रही है कि सत्ता का लालच है, अरे भैया आपकी तो 6 सीटें कम हो चुकी है, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, जब आप गठबंधन करेंगे तो अच्छा है, हमने किया तो खराब है। अरे यही तो आपकी दोहरी मानसिकता है, हम तो आपके देश का प्री पोल अलायंस और सत्ता हासिल करने के लिए विरोधी के साथ करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कश्मीरे में 6 सीटों पर अटक चुके हैं, आप इस चीज का अंतर समझिए। पीडीपी के साथ आपने जब आपने प्री पोल अलायंस नहीं किया था, आपको जब सीटें कम मिली और आप सरकार नहीं बना पाए तब आपने पीडीपी के साथ किया और वो चला नहीं पाए आप। आपकी तो केंद्र में भी बैसाखी पर चल रही है सरकार, बहुत जल्द गिरेगी, जाइए जमीन पर काम करना शुरू करिए। हरियाणा की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता जवाब देगी, क्योंकि हरियाणा में आपने जो किया है ईवीएम के सहारे वो जनता भी देख रही है। नाम के प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है चलिए, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकते दीपक बैज जी, काहे के प्रदेश अध्यक्ष, डमी है मैं तो कहता हूँ, रोबोट है। अरे हिम्मत है तो उनको साहस दीजिए अपने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करने का। बेचारे दीपक जी बैज जी कर्मठ कार्यकर्ता है, लेकिन इतना उनको पावर नहीं दिया कि आपने प्रदेश के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकते। चलिए ये अलग विषय हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उत्साहित है, जलेबियां जरूर बांटी जा रही है, लेकिन इसकी मिठास आने वाले समय में हम टेस्ट करते रहेंगे। दक्षिण में क्या होता है वो भी देखेंगे, मध्य प्रदेश में भी 2 उपचुनाव है उसमें भी दिखाई देगा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी दिखाई देगा। तो जरूर अभी बीजेपी ने जलेबी खाली है, लेकिन कांग्रेस के पास भी पूरा मौका है कि इस जलेबी की मिठास की भरपाई वो कर सके, इस पर निगाह बने रहेगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ प्रीति जी जुड़ी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रवीण साहू जी ने हमें अपना समय दिया उनका बहुत धन्यवाद, और मनीष वोरा जी ने अपना कीमती समय दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।